तो गाइस इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रेगानोट किट को खाने कितने दिन बाद ब्लीडिंग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस देखिए इस किट में 5 गोलियां होती हैं। जो पहली बड़ी गोली है, इस पहली बड़ी गोली का काम प्रेगनेंसी को खत्म करना होता है। कहने का भाव यह है कि यह जो पहली बड़ी गोली है, ये प्रोजेस्टेरोन के एंटागनिस्ट है। मतलब कि जैसे ही आप लोग इस पहली बड़ी गोली का उपयोग करते हैं, तो ये प्रेगनेंसी के लिए जो सबसे ज़रूरी हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ये गोली प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन को फॉल कराती है, मतलब कि कम कराती है, जिससे होता ये है कि आपके जो बच्चेदानी का मुँह है वो खुलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको पूरी तरह से खुलने में लगभग 36 से 48 घंटे का समय लग जाता है। फिर ये जो बची हुई 4 गोलियां हैं, इन 4 गोलियों का काम बच्चेदानी में सकुड़न पैदा करना है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शंस कोज करना है। जैसे ही आप लोग इन 4 गोलियों का उपयोग करते हैं, तो जो बच्चेदानी है यूट्रस है उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस कोज होती हैं, जिससे जो प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लीडिंग के रूप में बच्चेदानी के मुँह से बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए जब कोई महिला पहली बड़ी गोली का सेवन करती हैं, तो बस उनके दिमाग में एक ही बात होती है कि उनको ब्लीडिंग फटाफट स्टार्ट हो जाए, ठीक है। परंतु 90% केस में ये पाया गया है कि पहली बड़ी गोली को लेने के बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। हालांकि आपको नोजिया वोमिटिंग होगा, आपको चक्कर आएंगे, घबराहट बेचैनी महसूस होगी, और पहली बड़ी गोली को लेने के बाद आपको हल्के खून के धब्बे देखने को मिल सकते हैं, भूरे रंग का डिस्चार्ज आपको देखने को मिल सकता है, खून के थक्के आपको हल्के फुल्के देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपको बहुत ही लाइट ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन जो प्रॉपर फ्लो है, जो कि जब आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म होगी जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा फ्लो आपको पहली बड़ी गोली को लेने के बाद नहीं आता है। फिर आप पूछेंगे कि ब्लीडिंग आखिर स्टार्ट होगी कब? तो देखिए जब आप लोग बची हुई 4 गोलियां 48 घंटे के बाद बिना पानी के साथ लेते हैं, तो आपको जो ब्लीडिंग है वो 30 मिनट से लेके 4 घंटे के बीच में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि जो बची हुई 4 गोलियाँ हैं, जब कोई महिला इन 4 गोलियों का उपयोग गलत तरीके से, गलत डोज अगर लेती हैं या गलत मेथड से लेती हैं, तब उनको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। जैसे कि अगर आप लोग 48 घंटे से पहले इन गोलियों का सेवन कर लेते हो, तो बच्चेदानी का मुँह तो खुला ही नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको ब्लीडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी। या फिर अगर आप लोग बची हुई 4 गोलियों का उपयोग पानी के साथ करते हैं, तब भी ये गोलियां अपना पूरा काम नहीं कर पाती हैं। या फिर मैंने वीडियो में बताया था कि इन गोलियों को 2-2 करके लेना होता है 3 घंटे का गैप रख के, लेकिन अगर आप लोग इसकी सही डोज नहीं लेते हैं, तब भी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हम लोग अक्सर देखते हैं कि पेशेंट को जो ब्लीडिंग है वो लगभग 24 घंटे से लेके 72 घंटे में शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपके केस में 72 घंटे का समय भी पूरा हो चुका है, तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।